इस वक्त हम मजनू के टीले के पास एक रिफ्यूजी कैंप में हैं। यहाँ 150 परिवार ऐसे हैं जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत से आए हुए हैं। ज़्यादातर लोग ऐसे हैं, आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे ये पूरा रिफ्यूजी कैंप है। और यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो रेडी पटरी पे अपनी दुकानें चलाते थे कोविड-19 और कोरोना वायरस के बाद, इनके रोज़गार पर सीधा असर पड़ा है। और अब यहाँ पर ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि इनके पास कोई भी सरकारी सुविधा जो है वो नहीं पहुंच पा रहा है। एक या दो बार इनके पास पहुंचा था सरकार, दिल्ली सरकार की तरफ से राशन, और उसके बाद कोई भी यहां पूछने नहीं आ रहा है। कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं ज़रूर यहां पे पहुंच रही हैं जो अपने स्तर पर यहां इन लोगों को खाने पीने के सामान मुहैया कराती है या कुछ पैकेट्स वो बना के लाते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत से आए और यहाँ पर आके अभी इसी रिफ्यूजी कैंप में रह रहे हैं। इनकी सबसे बड़ी मांग ये है कि यहाँ पिछले 7 साल से बिजली नहीं है, और बिजली नहीं होने की वजह से जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है इनको इसकी सबसे बड़ी समस्या हो रही है। एक तरफ ये बाहर नहीं निकल सकते, घरों से बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि लॉकडाउन है और कोरोना वायरस का खतरा है। दूसरी तरफ घर के अंदर ये नहीं रह सकते क्योंकि बिजली नहीं है। इनकी पहली मांग है कि राशन भले ना दे सरकार, लेकिन बिजली ज़रूर दे। ये बताइए कि अभी कोरोना में क्या कोई सरकारी सुविधा कुछ मिल रहा है आप लोगों को? हमें कोई सुविधा नहीं, सरकारी की कोई सुविधा नहीं मिली है कोरोना की वजह से। हमें ये भी डर भी नहीं है, क्यों डर नहीं है तो ना हम TV देखते हैं ना हमारे पास लाइट है, हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता कोरोना से। बाहर चले जाते उधर भाग लेते, गर्मी की मारे मर जाते बच्चे, क्या करें ना। हम यहाँ अंदर झुग्गी के अंदर रह सकते हैं ना बाहर, बाहर तो हमें बाहर निकलेंगे तो डंडा लगता है पुलिस के, अंदर रहते हैं तो गर्मी के डंडे पड़ते, हम लोग कहाँ जाएं। जब राशन हमें गवर्नमेंट का कोई नहीं मिला आज तक, सर जो संस्थाएं हैं वो थोड़ा बहुत दे जाते हैं उससे हमारा गुजारा चल ही रहा। मेरा पैर पका पड़ा है, देख बिजली नहीं, हालत ऐसी हो रही है गर्मी में, गर्मी हो रही है। बस हमें लेट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, गवर्नमेंट से यही ख्वाहिश है कि लेट आ जाए। खाना पीना आ रहा है यहाँ पे, राशन पहुँच रहा है आप लोगों तक? पहले 2 दफा आया था, फिर पहले आया था 2-3 दफा, अब नहीं आया, 1 महीना पूरा हो गया। कैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे काम को? बस जैसे जिंदगी गुजर रही, गुजार रहे। आप लोग पाकिस्तान से आए हो जी? कब आए? अभी 4 महीने हो गए, अप्रैल। अप्रैल में आए थे? क्या काम करते हैं आपके पति? प्लम्बरी का। प्लम्बरी का काम तो मिल नहीं रहा होगा, बेरोजगार बैठे हैं अभी। अच्छा, फिर छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको कैसे फिर इनका? संस्था वाले कुछ कर गए 2-3 दफा, सरकार की तरफ से तो कुछ भी नहीं आया ना, हमारा आधार कार्ड बना। राशन आता है? कहीं नहीं, अभी नहीं आया, 1.5 महीने से नहीं आया कोई राशन लेने। नहीं मिल रहा है? नहीं जी। काम क्या करते थे? यही मजदूरी करते थे साहब, मजदूरी। काम नहीं मिल रहा होगा, कैसे चला रहे हो? अब चला रहे ऐसे, गुजारा कर रहे हैं जैसे भी है। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं जी। 3 बच्चे हैं। राशन सरकार की तरफ से या किसी कोई नहीं दे? एक बार आया था सरकार की तरफ से, वही 2-2 किलो आटा और 1 किलो चावल बस। कहाँ से है? पाकिस्तान में? पाकिस्तान सिंध प्रांत से है। कब आए इंडिया? 2011। अभी क्या स्थिति है कोरोना में, यहाँ खाना पीना सब खाना मिल रहा है? यहाँ पे स्थिति तो खाना पीना तो जैसे कर है, जो आज देख रहे हो जी, वो खाना पीना जो दे रहे हैं ये भाई, सरकार की तरफ से कोई मिल रहा है? सरकार की तरफ से अभी तक तो कुछ भी नहीं मिला है सरकार की तरफ से। हम ये कह रहे हैं, पहले हमारी दिक्कत यही है यहाँ पे सर, बिजली की समस्या इतनी भयानक है जो कहने जाते हैं। इतना मच्छर है डेंगू, इतना मच्छर है जो बैठ भी नहीं सकते। बहुत गर्मी, इतनी गर्मी है, भयानक गर्मी है। हम तो सरकार को गुहार लगा लगा के थक गए। हम तो हाथ जोड़ के विनती करते हैं उनको, कम से कम यहाँ पे टेम्परेट जी हमको बिजली दे दे, उसी में हमको सहारा मिल जाए। उसी से करते थे आप? पहले रेडी पटरी बच्चे लगा रहे थे, वो भी बंद हो चुकी है। अभी सरकार की तरफ से, सरकार की बात पूछ रहे, सरकार की तरफ से कुछ चंद लोगों का यहाँ पे आधार कार्ड था जिसमें 4 किलो गेहूँ और 0.5 किलो चावल। यहाँ पे क्योंकि ज़्यादातर लोग, सब लोग, आप लोग वहीं से आए हैं, पाकिस्तान से आए हैं, आप लोगों का पहचान पत्र राशन नहीं होगा, किस तरह से ऐसे संकट की घड़ी में सरकार क्या सहायता दे रही है आप लोगों को?
सर अभी तक तो सहायता हमारे को कुछ नहीं दिया है। वैसे एनजीओ वाले हैं, थोड़े बहुत कर रहे हैं। हमारे सिंधी भाई है, वीएसएस ने, सिंधी ने कुछ हमारे को 3 बार राशन दिया है, और एनजीओ वाला है वालों ने कुछ राशन दिया है, है वालों ने राशन दिया है। और लाइट के लिए तो 7 साल से हम लगे पड़े हैं, हमारे पास कोई लाइट नहीं है। अंदर गर्मी में और मच्छरों में बच्चे और बूढ़े मर रहे हैं, बाहर कोरोना मार रही है, अंदर में गर्मी मर रही है, तो हमारी मौत दोनों तरफ से तय हो चुकी है। सरकार या केंद्र सरकार की तरफ से आप लोगों को खाने पीने किसी चीज़ की कोई? एक बार यहाँ से आया था कुछ 5-5, 4-4 किलो चावल कनकी दी थी वो जो दिल्ली गवर्नमेंट से, बाकी हमें अभी आज तक कुछ नहीं मिला। यहाँ पे स्थिति क्या है? एक तो आप लोग वैसे रिफ्यूजी कैंप में रह रहे हैं, ऊपर से कोरोना, तो कितना आप लोगों को तकलीफ कितनी है? सुविधा हमारे को बड़ी तकलीफ है, इतनी तकलीफ हम बता नहीं सकते, क्योंकि हम बाहर भी नहीं जा सकते। हमारी रोजी रोटी रेडी पे चलती थी, 300 रुपया कमाए 250, वो भी बंद हो चुकी है। हम घर के अंदर हैं, हमारे को जो एनजीओ आता है वो थोड़ा बहुत मिलता है, उसमें हमारा गुजारा करते हैं। इनमें से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई आधार कार्ड नहीं है, पहचान पत्र नहीं है, इसलिए सरकारी सुविधाओं का लाभ इनको नहीं मिल सकता है। और जो राज्य सरकार है, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उनकी तरफ से इनको कोई सुविधा, खास तौर से राशन की सुविधा जो अभी इस वक्त मिलनी चाहिए, वो इन तक नहीं पहुंच पा रही है, जिसकी वजह से इनके लिए गुजर बसर करना बहुत मुश्किल हो रहा है। कई सारे लोगों से हमने बात की है, उन लोगों का सीधा कहना है कि एक तरफ खाने पीने की समस्या, दूसरी तरफ बिजली नहीं होने की वजह से इनके लिए यहाँ जीना दूभर हो रहा है। मच्छर मक्खियाँ, क्योंकि ये यमुना के किनारे का इलाका है, तो इस वजह से यहाँ पे गंदगी भी काफ़ी ज़्यादा है, और उससे होने वाली बीमारियों का सीधा असर इनके ऊपर पड़ रहा है। अजय झा, गो न्यूज़, दिल्ली।